आप भाई भी भाई ब्लॉग बनाते हैं भाई भाई आपकी आईडी बताइए हेलो गाइस व्हाट्सअप बड़ी आ गए अपन 4000 15 से बोले तो धारा शिवडी इड़े चले जरा भी नहीं अपने से क्या मैं तो मुंबई 70 देते पत्थर काम बारी Later. तो इनके साथ में हम लोग तो आगे चलते देखते एक्सप्लोर करते क्या क्या होता है क्या कराने के लिए तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं हम लोग वापस से निकल चुके हैं हम लोग वापस से मुंबई जाने के लिए मीनारा मस्जिद जाने के लिए निकल चुके हैं और हमारे साथ असलान भाई भी है क्या बोलते बड़ी पब्लिक आज तुम्हारे कुछ नया बताएंगे कुछ नया सिखाएंगे और कुछ नया दिखाएंगे इसके लिए हम लोग के साथ तुम लोग बने रहे और तुम्हारे को कुछ नया कुछ दिखाते वापस सो गाइस चलते हैं देखते आगे क्या क्या होता है आप लोग एक्सप्लोर करते हैं सो इसी के साथ ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं लेट्स गो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग सो गाइस आ गए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में जैसे कि आपको ही मालूम है अभी रमज़ान चालू है तो इसका मतलब मीनारा मस्जिद के पास बहुत से आइटम्स वगैरह लग रहे खाने पीने के और फिर से आज हमारे साथ है इसके पहले वाले ब्लॉग में जो भाई थे अरसलान भाई फिर से हमारे साथ में वही भाई थे आपको दिखा दे एक बार अरसलान भाई हेलो गाइस व्हाट्सअप बड़ी कल बहुत मज़ा आया इसके लिए मैं फिर आज वापस आया इसके लिए आज आपको कुछ नया बताने के लिए कुछ नया सिखाने के लिए कुछ नया समझाने के लिए चलो मीनारा मस्जिद जाते गाइस एक्सप्लोर करते हैं आपको भी हम भी खाते आपको भी खिलाते तो गाइस चलते अंदर दिखाते आगे का ये हमारे साथ भाई हमारे शिवड़ी वाले भाई हमारे साथ एक और एक भाई हमारे शिवड़ी वाले देखते हैं आगे क्या क्या होता है आपको बताते हैं सो गाइस देख सकते हो मैं फाइनली अंदर जा रहे हैं हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए ब्लॉग शूट वगैरह करने के लिए देख सकते हैं पूरा और मतलब आज क्राउड माशाल्लाह है मतलब पहले के ज़्यादा आज क्राउड बहुत क्राउड है आज देख सकते हैं एक बार आपको पीछे पटा के भी दिखा दो एक बार मैं आज क्राउड वगैरह है आज भीड़ देख सकते हो कितनी है माशाल्लाह रमज़ान का तीसरा दिन है और भीड़ देख सकते हो कितनी है आहिस्ते आहिस्ते करके भीड़ बढ़ रही है यहाँ पे तो गाइस हम लोग फाइनली मीनारा मस्जिद पहुंच चुके हैं हमारे साथ हमारे भाई भी है शादाब भाई और इधर हमारे अमित भाई अभी हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है कल तो नूरानी को एक्सपोज कर दिए थे अभी आगे देखेंगे कौन ने एक्सपोज करने पीछे अरसलान भाई अरसलान भाई एक्सपोज करने वाले किसको है वो एक्सप्लोर लेकिन हम लोग भाषा में एक्सपोज तो चलते आगे क्या क्या एक्सपोज करने मिलता है और आगे दिखाते आपको देख सकते हो अपना पूरा माशाल्लाह आज बहुत भीड़ आज रमज़ान का तीसरा दिन है यहाँ का तो एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है तो गाइस आप देख सकते हो पहले दिन के मुकाबले में आज माशाल्लाह बहुत भीड़ है और यहाँ पे मतलब कैसा है मतलब एक मोमेडियन लोग ही नहीं आते यहाँ पे हर रिलीजन के लोग आते हैं हिंदू मुसलमान क्रिश्चन सिख ईसाई हर कास्ट के हर जात के लोग आते हैं यहाँ पे सो गाइस चलते आगे देखते क्या एक्सप्लोर करते आज आपको हम लोग दिखा दिए मतलब पूरा मार्केट तो अभी हम लोग एक वो करेंगे क्योंकि फूड के ऊपर हम लोग वो करने वाले हैं सो यहाँ पे मतलब पूरा मार्केट आपके यहाँ शेयर कर दिया हम लोग ने पूरा मार्केट और अभी हम लोग फूड के ऊपर फोकस करने वाले मतलब क्या क्या फूड्स मिलता है यहाँ पे उसके ऊपर फोकस करेंगे हम लोग सो देखते आगे चलते हैं एक्सप्लोर करते आपको भी दिखाते हैं
ये तो यहाँ पे देखो ये भाई भाई आपकी दुकान का नाम बोलो क्या है। मेरी दुकान का नाम है भाई बुरहानपुर डिलीवरी सेंटर, हम लोग बुरहानपुर के है। कितने साल से भाई ये कितने साल से लगाते हो? हम भाई हमको इधर 22 साल हो गया है। 22 साल हो गया, 22 ईयर्स अच्छा कम्प्लीट हो चुका है हमको इधर। क्या प्राइस रहेगा ये जलेबी का? जलेबी का प्राइस वही 100 रुपए किलो, 100 रुपए का पाव किलो। गुलाब जामुन का? गुलाब जामुन 20 रुपए का एक के भाई, 20 रुपए का एक। तो गाइस आप कभी भी आओगे तो यहाँ पे कभी भाई के पास आओ, देखो शॉप सामने ही है, और भाई के पास आओ और खा के फिर भाई की टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा जलेबी ये सब चीज़ों का। तो आओ भाई के पास खा के देखो। फाइनली गाइस हम लोग मोहम्मद अली रोड पहुँच चुके हैं, अभी तुम्हारे को दिखा दे तवा फ्राई, फिर बताएंगे जय जय जलेबी, फिर बताएंगे जय जय जलेबी का रसगुल्ला। अभी भाई हमारे सामने जय जय जलेबी देख लो, तवा जलेबी देख। मावा जलेबी, मावा जलेबी, क्या जलेबी? मीनारा स्वीट, हाँ मावा जलेबी, मावा जलेबी। भाई जलेबी का रेट क्या चल रहा है? 320 रुपए किलो। और ये गुलाब जामुन का? 20 रुपए का 31। और ये वाला कौन सा जलेबी है? ये सादा जलेबी, सादा जलेबी। और ये अपना मावा जलेबी, मतलब डबल का। तो आओ कभी भी भाई के पास आके खाओ, ट्राई करो तो दिखा सकते हैं। हमारा इस्लाम भाई वहाँ खड़े, भाई भी भाई ब्लॉग बनाते हैं भाई भाई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ देखे ना गाइस अच्छी है, तो तुम लोग भी आगे ट्राई करो, और भाई भी यूट्यूब बनाते हैं। हम लोग आ चुके हैं गली में, यहाँ पे पूरा स्पाइस आइटम मिलता है, मतलब पूरा तवा फ्राई फ्राइड वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पे। बैठो भाई खाने का, बैठो आप देख सकते हो, जैसे कल वाली वीडियो में चाचा थे, ये वाली वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। और चलते आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है, फिर आपको बताते हैं, एक्सप्लोर करते आगे क्या क्या है। बाबा भाई का बढ़ रहा है स्पेशल, तो भाई बोल रहे बाबा भाई का बढ़ रहा है स्पेशल एकदम। हाँ भाई कहाँ से क्या रेट से स्टार्ट हो रहा था अपने यहाँ पे? बाबा बढ़ रहा, बाबा बढ़ रहा, उसमें तुम्हें मलाई बढ़ रहा मिलेगा, तुमको रेशमी बढ़ रहा, पहाड़ी बढ़ रहा, टिक्का भर रहा, तंदूरी भर रहा, ये ग्रीन वाला, ये पहाड़ी भर रहा, और येलो वाला, और ये येलो वाला, वो येलो वाला रेशमी, रेशमी रेशमी भर रहा। अब भाई क्या से क्या प्राइस स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे? ये 320 से ऐसी गाड़ी है, 450 तक भर रहा है आपके पास। अच्छा तो आओ कभी भाई की बात ट्राई करो आके। ये गली दिख रही है सामने, मीनार, इसके साथ सामने वाली गली में भाई यहाँ पे है, तो आओ यहाँ पे। पूरे मुंबई में नहीं मिलेगा, मुंबई में नहीं मिलेगा भाई, गुर्दा एकदम बड़ा बड़ा पीस है, एकदम गुर्दा उर्दा वगैरह एक नंबर। हाँ स्पेशल अपना जी का, जी जी भाई। तो आप भी आओ भाई की बात ट्राई करो आके। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, सामने देख सकते हो, अभी वहाँ पे हम लोग जाएंगे, रस मलाई टेस्ट करेंगे वहाँ की कैसी है। और हमारा अरसलान भाई। तो फाइनली गाइस हम लोग सुलेमान उस्मान मिठाई वाले के पास पहुँच गए, अभी हम लोग सोच रहे हैं रस मलाई टेस्ट करने के लिए, मलाई टेस्ट करने की सोच रहे, पूरा रस से भरा हुआ मलाई भरपूर है इसमें, अब देखने का इसको अलग से कैसा उतारने का और मलाई को कैसा लपेटने का। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस भाई, एक पीस जरा दीजिए, एक पीस दो ना भाई। तो देख सकते हैं भाई निकाल रहे रस मलाई, क्या बोले भाई? शाहरुख खान भाई हैं बहुत, ओह माय गॉड, ये हैं बहुत पुराने हैं, 50-55 साल। अच्छा हां साइन 1936। सो गाइस ले चुके हैं रस मलाई, एक पर रुक जाओ इसकी फोटो। सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, ये लो भाई क्या चीज है भाई, इसका नाम क्या? स्प्रिंग पटेटो है, स्प्रिंग पटेटो। क्या प्राइस है इसका? 50 रुपीज पर पीस, 50 रुपीज। तो आप भाई के पास ट्राई करो, मोबाइल रैप लिखा उसके जस्ट बाजू में, ये देखो ये मोबाइल रैप की दुकान है, और उसके बाजू में ये है। जैसे कि ये क्या है कुछ बता सकते हैं हमारे बच्चे लोग?
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। फिर भी एक मिनट के लिए कहा की डिश है, मेन जी डिश कहा की बम्बई की है। इसका नाम क्या है डिश का? क्या प्राइस है इसका? 40 रुपीज पर पीस फ्राई है। तो भाई के पास फ्राई कर लो, बाजू में नूरानी है और नूरानी के जस्ट बाजू में ये भाई का स्टॉल है। तो आइए ट्राई किए भाई का। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मॉडर्न स्वीट सेंटर, यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई के जस्ट नूरानी, नूरानी के जस्ट बाजू में मॉडर्न स्वीट सेंटर है, यहाँ पे आ चुके हम लोग। और भाई क्या लाइक दे रहे थे आप? अभी फाइनली अपने को ट्राई करने का, फिर नहीं मावे से भरपूर खा ले तो आदमी हो जाओ मजबूत। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अभी देखने का अपने को ट्राई करके देखने का कैसा रहता है, चलो आओ भाई। भाई जा रहे हैं अरसला में ट्राई करने के लिए, हम भी ट्राई करके साथ साथ देख सकते हैं फिरनी पूरी, ये सब पूरी फिरनी है मॉडर्न, देख सकते हैं फिरनी है भाई की। आइए गाइस करने जा रहे हैं मावे से भरपूर फिरनी, तो यहाँ पे फाइनल ट्राई करें। मैं दो चम्मच और दो। अरे हाँ भाई बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब है, उसको खाने जरूर आओ मॉडर्न स्वीट्स में प्लीज दोस्तों। बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है इंशाल्लाह। देखते हैं हमें मालपुआ वगैरह भी तला जा रहा है। क्या प्राइस है भाई एक फिरनी का? फिरनी का क्या प्राइस है? एक फिरनी का 50 का, 50 रुपए एक एक फिरनी। देते जरा ये भी बताइए हम लोग, हमारे दोस्त लोग को बताइए। जोर से भाई थोड़ा जोर से बोलो। इसमें जो मलाई इसको निकाल के, इसमें जो आइसक्रीम फ्लेवर जो फ्लेवर है 5% का फ्लेवर आएगा, वनीला है, चॉकलेट है, मैंगो सीताफल है, सब अलग अलग फ्लेवर। तो गाइस इसके अंदर बहुत से फ्लेवर यहाँ पे देख सकते हो, जैसे वनीला चॉकलेट वगैरह सब फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी सब अलग अलग फ्लेवर है, और सब प्राइस के सॉरी सब फ्लेवर के अलग अलग प्राइजेस है। आप देख सकते हैं पूरा कोकोनट मिल्क है, पूरा कोकोनट है, कोकोनट आइसक्रीम है ये देख सकते हो। क्या बोले असलान भाई, क्या बोले? तो गाइस ये बोल रहा था मैं, है थोड़ा महंगा पर खाने में चीजें एकदम लाजवाब, इंशाल्लाह तुम लोग आएंगे तो जरूर ट्राई करना। कितना भाई? 220 रुपए का ना भाई, 220 रुपए का, ज्यादा महंगा नहीं। 150 फाइनली हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से रोड से। आज के लिए इतना ही काफी था, मिलते तुम्हारों को नेक्स्ट ब्लॉक में। अनफॉर्चुनेटली हम लोग भूल चुके थे मसाला दूध लेने के लिए घर के लिए, घर वालों ने बोले थे मसाला दूध लेने के लिए, और उन्हें निकल गए थे पूरा बाहर, तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत भूल चुके थे मसाला दूध वगैरह लेने के लिए। तो जाते मसाला दूध लेते आपको ही मिलते भाई। आप देख सकते हैं नूरानी में बहुत अलग अलग फ्लेवर के, मतलब बहुत अलग अलग रंग रंग की फिरनी है यहाँ पे अलग अलग। ये पिंक फाड़ो लड़की लोग के लिए भी है, लड़के लोग के लिए भी है, बच्चे लोग के लिए भी है, आपको जो पसंद है आप वो खाइए। फाइनली हम लोग का पार्सल आ गया है नूरानी से, अभी हम लोग जाएंगे इसको घर पे खोल के पियेंगे तो तुम्हारे को बॉटल खाली दिखाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हो रश कितना है यहाँ पे, आज रमजान का तीसरा दिन है, आप देख सकते हो कितना रश हो गया। इससे पहले ने दो ब्लॉग में जा रहा था तो उतना भीड़ वगैरह नहीं थी यहाँ पे, आप देख सकते हो कितना रश हो गया। और यहाँ पे आइए मैंने हर रिलीजन के लोग आते हैं यहाँ पे, देख सकते हो पूरा रश रश हो गया यहाँ पे। और अरसला मैं को पसंद आ गया, और दूध को अरसला मैं वापस लेने के लिए गए, तो अरसला मैं आते फिर आपके यहाँ वैसे चाय करते। अरसला मैं आ चुके हैं, ये भी 3 बॉटल ले चुके लो, मेरे भाई के साथ आया था तो फायदा तो उठाना पड़ेगा, मंडे की पब्लिक तो बोले क्यों तकलीफ। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? मेरा बच्चा है तू अरसलान, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। क्या क्या खाने के लिए? क्या क्या खाएंगे? इंडियन चाइनीज मुगलई जो भी आप खिलाओ, हमारे यूट्यूबर को जो भी आप खिलाओ। स्पेशल स्पेशल आइटम खाएंगे बस, यहाँ का स्पेशल आइटम है भेजा गुर्दा कलेजी, स्टार्टर में कहीं भर रहा है, चीज वाले क्रिस्पी है। अच्छा आपके होटल का नाम क्या है? कौन सा वाला होटल है आपका, ये वाला क्या वाला? अच्छा ये वाला होटल, तो आओ भाई के पास भी ट्राई करो आके। भाई इधर बहुत ब्लॉगर्स लोग आए थे आज, हम लोगों ने कम से कम 70% ब्लॉगर लोग को देखे, क्योंकि आज मीनारा मस्जिद के रोड पे इतने ब्लॉगर लोग थे क्या कोई हद ही नहीं है, जो रस्ते रस्ते में हम लोगों को नए नए ब्लॉगर्स ही मिल रहे थे खाली। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो का एंड कर दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना। लव यू, अल्लाह हाफिज। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।